हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी आर्ट वीडियोस को किस तरह से रिकॉर्ड करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी सारी वीडियोस पहले मोबाइल से रिकॉर्ड करता था और मैंने 3.5 लाख सब्सक्राइबर मोबाइल से रिकॉर्ड करके ही किए हैं। सारी आर्ट वीडियोस पहले मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, बट आपने कुछ वीडियोस से ऑब्जर्व किया होगा कि क्वालिटी अच्छी आ रही है और क्लियरली आपको दिख रहा है जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। तो कुछ वीडियोस से मैं अपनी सारी वीडियोस DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ नया सेटअप बनाया, तो कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से मैं DSLR से रिकॉर्ड करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओवरहेड किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो, तो ये कुछ सेटअप सा मैंने बना रखा है, जुगाड़ सा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और स्टोरेज के बारे में बताऊंगा, स्टोरेज किस तरह से मैनेज करता हूँ। तो लेट्स सी। बाय द वे गाइस, फिलहाल अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला हाइपर रियलिस्टिक वर्क, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया स्टोरी और पोस्ट, तो इसी की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मेरे को लगा आपको बता देता हूँ किस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइपॉड किस तरह से लगाता हूँ मैं ओवरहेड शूट के लिए। तो ये कुछ इस तरह से मैंने जुगाड़ लगा रखा है। तो ये विंडो है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये एक डंडा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इससे ये बिल्कुल सेट रहता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये देखो, बिल्कुल टाइट हो चुका है ये। तो इसके यहाँ पे मैं कैमरा लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉल हेड लगाता हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मुझे विंडो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो बिल्कुल नेचुरल लाइट आती है बाहर से, जो कि काफ़ी बड़ी विंडो है ये। एक तो नेचुरल लाइट आती है, ऊपर से मैं ट्राइपॉड भी लगा पाता हूँ। तो इस तरह से मैं ओवरहेड शूट करता हूँ। इसके ऊपर जो मैं बॉल हेड लगाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये जो गोरिल्ला पॉड है मेरा, जो भी वाला, जो कि मैंने मंगवाया था 4500 का, तो इसका जो बॉल हेड है ऊपर वाला, ये बहुत ज़्यादा काम का है। ये जो ऊपर बॉल हेड है, ये ट्राइपॉड में भी लग जाता है। आई थिंक इसी के पैसे हैं, 4500 इसी का ही है। ये तो नॉर्मल मिल जाता है वैसे, तो ये बेस्ट ब्रांड है गोरिल्ला पॉड में, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये निकल जाता है ऊपर वाला, इसको मैं ट्राइपॉड के ऊपर लगा लेता हूँ। ये है बहुत काम की चीज़, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है कहीं भी मुझे अपने कैमरे को मूव करना हो। आपको पता हो अगर आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो गोरिल्ला पॉड ट्राइपॉड्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो मैं इसको चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा कैमरा। और इसको लगा दूंगा मैं, ये जो होल है इसको लगा दूंगा ट्राइपॉड में। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कैसा लगता है। सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं, जो ट्राइपॉड के ऊपर ये माउंट है, इसके ऊपर लगेगा हमारा बॉल हेड। ये है बॉल हेड, सिंपली इसमें इस तरह से लगाना है और घुमाना है। तो ये लग चुका है, लगने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। अब इसको लगा देते हैं ट्राइपॉड के ऊपर। तो कुछ इस तरह से लगेगा ये। अब यहाँ पे लगा सकते हैं हम अपना कैमरा, इसको निकाल लेते हैं पहले, इसके ऊपर का ये, तो ये निकल जाता है। और इसमें लगा देते हैं कैमरा, और फिर कैमरा इसमें लग जाएगा। कैमरे के बैक साइड में यहाँ पे होल है, तो इसमें इसको लगा देंगे। तो ये टाइट हो चुका है, अब इसको लगा देते हैं बॉल हेड के ऊपर। तो ये कैमरा कुछ इस तरह से लग जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा ये। तो ये फिट हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब हम बॉल हेड को मूव करेंगे ओनली, हमने ट्राइपॉड को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, हमने सिर्फ बॉल हेड को मूव करना है, जो ये बीच में गोल गोल है, ये चारों तरफ घुमा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। सो अभी ये DSLR का लेंस ऊपर की साइड है, मुझे नीचे की साइड करना है, तो मुझे बस इसको घुमाना है, जो बॉल हेड का ये है टाइट करने वाला, इसको घुमाओ। और ये हम इसको अब किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, पूरा 360 व्यू, कहीं पे घुमा के टाइट कर सकता हूँ मैं इसको इस तरह से। तो ये बॉल हेड का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बॉल हेड ना होता तो शायद मुझसे अच्छे शूट ना हो पाता ओवर हेड। तो देख लो गाइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉल हेड है ये, तभी इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो इस एंगल पर रख के टाइट करके मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और जूम करना हो तो इसको बस इस तरह से करना है, लेंस को जूम हो जाता है, और जूम करके मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो शूट कर पाता हूँ। अब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो चुका है ऑन, और ये स्क्रीन है, स्क्रीन को मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ स्क्रीन को देखने के लिए कि स्क्रीन में चल क्या रहा है। और जूम इन जूम आउट करने के लिए ये लेंस है, इस तरह से करना है बस, जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैं अपनी सारी आर्ट वीडियोस को अब रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे कैमरा लगाया, और यहाँ पे मैं इस तरह से बैठा हूँ, यहाँ पे ये ड्राइंग रखी है, और ड्राइंग पे मैं टेप लगा लेता हूँ ताकि बिल्कुल भी हिले ना। और ऐसे जूम इन जूम आउट करना हो तो कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट हो जाता है। वैसे ये तो किट लेंस है, अगर मुझे थोड़ा और ऊपर कैमरे को रखना हो और ऊपर से शूट करना हो, तो ज़्यादा जूम करना हो, तो मेरे पास दूसरा लेंस भी है, 250 mm तक जूम हो सकता है इसमें।
तो अगर मैं कैमरे को बिल्कुल ऊपर दीवार पे भी रख दूँ तो वहाँ से भी बिल्कुल क्लियरली दिखा देगा। तो ये लेंस मैंने लिया था, जब कैमरा लिया साथ में, 10,000 का आता है ये लेंस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मुझे जूम करके वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो। तो फिलहाल अभी का तो सीन नहीं है, देख लो कुछ इस तरह से मैं कंप्लीट शूट करता हूँ। और स्टोरेज के बारे में बताता हूँ मैं आपको, और स्टोरेज के लिए मेरे पास 4 मेमोरी कार्ड्स हैं। एक तो कैमरे के अंदर डला हुआ है 64 GB वाला, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर वो भर जाए तो उसके बाद 32 वाला ये है, 32 वाला ये है, और 16 वाला जो कि कैमरे के साथ में मिला था। तो ये 4 मेमोरी कार्ड्स हैं, और बार बार मैं चेंज करता रहता हूँ एक भरने के बाद। और एक है मेरे पास हार्ड डिस्क जो कि 2 TB की है, जो कि भरने वाली है। मैं सारी जो भी मेरी वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ सारी इसी में डाल देता हूँ। पहले जब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जो भी मैं रिकॉर्ड करता था उसको मैं एडिट करके उसकी फ़ाइल सारी डिलीट कर देता। बट अब मैं कोई भी फाइल को डिलीट नहीं करता हूँ, चाहे वो कैसी भी बनी हो, पूरी फाइल चाहे 4 घंटे की 5 घंटे की, वो सारी हार्ड डिस्क में डालता हूँ। क्योंकि क्या पता आगे मुझे फ्यूचर में वो काम आए। एक एक ड्राइंग की 30-30-40 GB की बन जाती है, इससे बड़ी बन जाती है, तो ये भरने वाली है। बट चलो कोई बात नहीं, क्या पता मेरे फ्यूचर में काम आए, जो भी मैं ओरिजिनल फाइल्स हैं मेरी ड्राइंग्स वाली, फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, इसलिए मैंने उनको रखा है। अब मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ एक भी, इसलिए मैंने हार्ड डिस्क ली थी। आई थिंक मुझे जल्दी ही एक और लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ। और कैमरे की बैटरी मेरी चलती है 1-1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं चलती। तो मैंने 2 बैटरी ले ली, मैंने आपको दिखाया था, तो दो बैटरी ले ली, इतने एक ख़त्म होते हैं तो मैं दूसरी चार्ज पर लगा देता हूँ। इस तरह से मैं काम करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट है अगर आपको DSLR से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो। पहले मैं जब फ़ोन से करता था ऑटो फोकस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ऑटो फोकस प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइस, जैसे कि मैं अभी इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, जो ग्रेफाइट मेरी शेडिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपको रियल दिख रहा होगा DSLR में। और ऊपर से अगर मैं पेंसिल इस तरह से हाथ कहीं भी हटाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो बिल्कुल भी आपको फोकस में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बट फ़ोन में फोकस में बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरी वीडियोज़ को, जो भी मैंने फ़ोन से बनाई उसमें फोकस में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं जूम करना चाहूँ तो जूम करके भी आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ शेडिंग वगैरह, और अच्छे से आपको दिख जाएगी। और अगर मैं इस तरह से करता हूँ मान लो अपना हाथ, तो अब देखो अब नीचे वाला ब्लर हो गया। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि नीचे वाला दिखे और हाथ मेरा ब्लर दिखे, तो इस तरह से मैं फोकस को एडजस्ट भी कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, अगर अब मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ ब्लर दिखेंगे, बट ये ब्लर नहीं होगा चाहे मैं कितना भी हाथ हिला लूँ अपना। अब मान लो मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल भी फोकस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो DSLR में ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम आती थी ऑटो फोकस में वीडियो रिकॉर्ड करने में, और जूम भी नहीं कर पाता था, फ़ोन से अच्छे कलर नहीं आ पाते थे, जो भी मेरी ड्राइंग है वो काफ़ी डार्क होती थी, वो बिल्कुल लाइट लाइट सी लगती थी। बट DSLR में जैसी है वैसी ही लगती है, शेडिंग काफ़ी अच्छे से दिखती है आपको, जूम करके दिखा पाता हूँ मैं आपको। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं DSLR से रिकॉर्ड करने के, इसीलिए मैं आप फ़ोन से बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। और कभी कभी GoPro से भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, GoPro से भी ऐसी नहीं आ पाती क्योंकि GoPro में जूम नहीं है, वो वाइड है, तो इसलिए मैं DSLR से ही प्रेफर करता हूँ, सबसे ज़्यादा DSLR का यूज़ करता हूँ, बट फोन का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर टाइम लैप्स लेने हो तब GoPro का यूज़ कर लेता हूँ। सो गाइस, बस कुछ इसी तरह से मैं अपनी सारी आर्ट वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी ड्राइंग्स वाली हैं, रिव्यू वाली हैं, सारी इसी तरह से मैंने कुछ सेटअप बना रखा है, DSLR से सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। और एडिटिंग तो मैं फ़ोन से ही करता हुआ आया हूँ अभी तक, और अभी तक फ़ोन से ही करता हूँ। आई थिंक एडिटिंग का कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पावर डायरेक्टर का यूज़ करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है, अच्छे से एडिट हो जाती है पावर डायरेक्टर में, तो मैं अभी तक तो उसी का यूज़ करता हूँ। मेरे जो लैपटॉप है वो ख़राब है, उसमें मतलब कुछ चलता ही नहीं है, कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, तो मैं फ्यूचर में अगर कोई लैपटॉप लूँगा अच्छा सा तो उसमें कर लूँगा, बट अदरवाइज़ तो अभी तक मैं फ़ोन में ही करता हूँ, और फ़ोन में ही मैं अपलोड करता हूँ। तो सारे काम फ़ोन से होते हैं, बस रिकॉर्डिंग अब DSLR से होती है, GoPro से होती है, व्लॉग वाले चैनल पर भी GoPro और ये DSLR, तो इन दोनों कैमरे का मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं अपनी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने आपको बताया। अगर कुछ बोल के बताना हो तो बस ऐसे ही गोरिल्ला पोड को रखा, कैमरे को कहीं भी रखा, और कोई भी लेंस लगा लेता हूँ 50mm या फिर कोई भी किट लेंस लगा लेता हूँ, और इस तरह से बस बोल लेता हूँ। ये तो सिंपल है, कहीं भी रख लिया, कभी कौन सा बैकग्राउंड दिखता हुआ आपको कौन सी वीडियो में, कभी कौन सा दिखता हुआ, तो वो तो सिंपल ही है, बट ओवरहेड वाला बताना था मैंने आपको, जो कि मैंने आपको मेन बता दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।